हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी एग्जाम नोट्स डॉट कॉम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेट लॉक एंड इट्स कंडीशंस। पहले हम इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं कि आखिर डेट लॉक है क्या। डेट लॉक का रिलेशन है प्रोसेस से। जब कोई प्रोसेस वेट कंडीशन में चले जाए, बट वेट कंडीशन में भी कितने टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए, तब हम क्या बोलेंगे कि डेड लॉक आ चुका है। अब डेड लॉक को समझने के लिए एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। इस डायग्राम में यदि हम देखें, हमको टू प्रोसेस दिखाई दे रही है, पी वन प्रोसेस और पी टू प्रोसेस। साथ ही यहाँ पे टू रिसोर्सेस है, रिसोर्स आर वन, रिसोर्स आर टू। पी वन प्रोसेस ने क्या किया कि रिसोर्स आर टू को होल्ड करके रखा है, वो पी टू प्रोसेस ने क्या किया रिसोर्स आर वन को होल्ड करके रखा है। अब पी वन प्रोसेस को चाहिए रिसोर्स आर वन, लेकिन पी टू प्रोसेस आर वन को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि पी टू का कहना यह है कि जब पी वन आर टू को छोड़ेगा उसके बाद पी टू आर वन को छोड़ेगा। लेकिन पी वन का कहना यह है कि पी वन आर टू को तब छोड़ेगा जब पी टू आर वन को रिलीज कर देगा। अब इस केस में क्या होगा, पी वन और पी टू दोनों ही वेट कंडीशन में चले जाएंगे, बट वेट कंडीशन कैसा, इनफाइनाइट टाइम के लिए, क्योंकि पी वन आर टू को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पी टू आर वन को नहीं छोड़ रहा है, दोनों ही आर वन आर टू का वेट करते रह जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे डेड लॉक है। लेकिन डेड लॉक के ऑकर होने के लिए भी फोर कंडीशंस है। अगर किसी सिस्टम में डेड लॉक आ रहा है, डेट मीन्स ये फोर कंडीशंस वहाँ पर ऑकर हो रही है। अगर इन फोर कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाए तो डेड लॉक नहीं आने के चांसेस है। अब वो फोर कंडीशन कौन सी हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो फोर कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे क्या कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स जब कोई रिसोर्स नॉन शेयरेबल हो। नॉन शेयरेबल मीन्स एक बार में एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ कर पाए। ओके, मीन्स कम से कम एक रिसोर्स भी ऐसा का सिस्टम के अंदर हुआ जो कि नॉन शेयरेबल है, डेट मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन पक्का ऑकर होगा। मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि जो रिसोर्स आर वन है वो कैसा है, नॉन शेयरेबल, मीन्स एक बार में एक ही प्रोसेस उसको यूज़ कर सकती है। अगर पी टू आर वन को यूज़ कर रही है, डेट मीन्स पी वन को वेट करना पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशन आती है कि कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल हो, मीन्स एक बार में एक ही प्रोसेस को यूज़ कर पाओ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और अगर हमने इस कंडीशन को फेल कर दिया तो डेड लॉक ऑकर नहीं होगा, बिकॉज डेड लॉक की कंडीशंस का मीनिंग ही ये है कि अगर इन फोर कंडीशंस में से एक कंडीशन भी फेल होती है, डेड लॉक नहीं आएगा। ओके, अगर आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फेल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो रिसोर्स नॉन शेयरेबल है उसको शेयरेबल बनाना पड़ेगा, ताकि एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस उसको यूज़ कर सके। अब हम बात करते हैं होल्ड एंड वेट की। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं इस डायग्राम का। अगर मैं इस डायग्राम के अंदर देखूं, ओके, पी टू ने क्या किया, आर वन को होल्ड करके रखा है, वो पी टू वेट किसका कर रही है, आर टू का। पी वन ने क्या किया, आर टू को होल्ड करके रखा है, और पी वन वेट किसका कर रही है, आर वन का। तो होल्ड एंड वेट क्या बोलता है कि अगर आपके सिस्टम में एक भी ऐसी प्रोसेस है जो रिसोर्स को होल्ड करके रख रही है और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रही है, डेट मीन्स वहाँ पर होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रोसेस होल्ड एंड वेट को फॉलो करे। अगर एटलीस्ट वन प्रोसेस ने भी होल्ड एंड वेट को फॉलो कर लिया, डेट मीन्स होल्ड एंड वेट वहाँ पर ट्रू कर रही है। अगर आपने होल्ड एंड वेट को फेल कर दिया, डेट मीन्स डेट लॉक ऑकर नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डेट लॉक की कंडीशन जितनी भी ऑल द फोर कंडीशन है चारों ट्रू होना चाहिए, तब जाके डेट लॉक ऑकर होगा। अगर आपने होल्ड एंड वेट को फेल कर दिया, डेट मीन्स डेट लॉक ऑकर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नो प्रीएम्पशन मीन्स। अगेन हम इस डायग्राम के अंदर देखें, पी वन ने होल्ड करके रखा है आर टू को, पी टू ने होल्ड करके रखा है आर वन को। डेडलॉक क्यों आ रहा था,
बिकॉज P1 को R1 का वेट करना पड़ रहा था और P2 को R2 का वेट करना पड़ रहा था। अगर मान लो ऐसा हो कि P1 को अगर R1 की ज़रूरत है तो P1 जबरदस्ती R1 को छीन के अपने पास रख ले, अगर P2 को R2 की ज़रूरत है तो P2 जबरदस्ती R2 को छीन के अपने पास रख ले। अगर ऐसी चीज़ हो जाती है डेट मीन्स डेड लॉक से डेड लॉक को रोका जा सकता है। बट नो प्रिएम्पशन क्या बोलता है कि अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा है तो दूसरी प्रोसेस जबरदस्ती उस रिसोर्स को नहीं छीन सकती जब तक कि सामने वाली प्रोसेस खुद होके उस रिसोर्स को फ्री नहीं करती। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नो प्रिएम्पशन, मीन्स नो जबरदस्ती, किसी रिसोर्स को जबरदस्ती नहीं लेना है। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन, सर्कुलर वेट। ओके, सर्कुलर वेट क्या बोलती है कि जितनी भी प्रोसेस है सारी प्रोसेस एक साइक्लिक मैनर में वेट करने को होना एक दूसरे का। किस तरह से अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रोसेस P1 है, P1 किसका वेट कर रही है, प्रोसेस P2 का, कि P2 के पास जो भी रिसोर्स है उसको फ्री कर दे तब जाके P1 अगले रिसोर्स को फ्री करेंगी। P2 किसका वेट कर रही है, P3 का, कि P3 रिसोर्स को फ्री कर दे। P3 किसका वेट कर रही है, P4 का, कि P4 रिसोर्स को फ्री कर दे। और P4 किसका वेट कर रही है, P1 का, कि P1 रिसोर्स को फ्री कर दे। डेट मीन्स जो लास्ट प्रोसेस है उसने वेट करने को होना किसका, फर्स्ट प्रोसेस का। अगर ऐसी कंडीशन आती है जब साइक्लिक मैनर के अंदर प्रोसेस एक दूसरे का वेट करे और लास्ट प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस का वेट करे रिसोर्स को फ्री करने के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। और अगर ये ऑल द फोर कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पर डेड लॉक ऑकर होगा। तो अगर आपको डेड लॉक फ्री करना है सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, कोशिश करो कि कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाए तो डेड लॉक फ्री होने के लिए इंश्योर हो जाएगा। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।